सिर्फ एक ही गाना है इसमें एंड जो मेन सॉन्ग है लव सॉन्ग, और मुझे लगता है बहुत सुमन जी जो है बहुत पैशनेट डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया आई वॉज वेरी नॉट वेरी श्योर कि नई स्टार कास्ट है और व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट द वे जिस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट को नरेट किया और जिस तरह का थ्रिल वो लेके आए हैं पिक्चर के अंदर, और जब मैंने ये गाना बनाया एंड आई हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्राइजेशन इन माइंड, और मुझे एक चर्च का जो ऑर्गन का साउंड होता है और एक नई चीज़ करने की कोशिश की, और किसी हद तक हम लोग बहुत सक्सेसफुल हुए, अरमान ने इस गाने को गाया है और अब जी म्यूज़िक का रिलीज़ हुआ है, सो वी आर वेरी हैप्पी दैट इट इज़ कमिंग ऑन अ गुड म्यूज़िक चैनल एंड इट इज़ रीचिंग आउट टू द पीपल, सो बहुत खुशी है इस चीज़ की। एकता एक मेरे हिसाब से एक ऐसी पिक्चर है जो अंडर एस्टिमेटेड रहेगी बिकॉज मे बी यू डोंट नॉट हैव बिग स्टार्स इन इट, बट उसका जो अप्रोच है, जो डायरेक्टर का जो प्रेजेंटेशन है और जो फिल्म की मेकिंग है, तो एक बार दर्शक अगर उसे देख लेगा तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ कनेक्ट, और ये बहुत बड़ी बात है। विदाउट एनी मेजर सपोर्ट बहुत अच्छा सुमन जी ने इस पिक्चर को बनाया। This is the first time we are collaborating. See, वो तो essential था because अरमान की voice बहुत ज़रूरी थी, he is the youth icon and उस point of view से तो मुझे लगता है कि शायद मुझे एक second level का opportunity मिल रहा था that I'm working with my son and उसकी singing में एक maturity अभी आई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हम लोग स्टूडियो में जैम कर रहे थे और जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो उसको भी ये एहसास हुआ कि ये तो मेरे फादर के साथ मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो चीज़ जो डैडी ने दूसरे लोगों के साथ बड़े बड़े सिंगर्स के साथ किया होगा, तो ही वॉज ऑल्सो लिविंग दैट एक्सपीरियंस कि डैडी ऐसे करते होंगे, क्योंकि वो हम लोग एज अ कंपोजर एंड सिंगर जब माइक पर डिस्कशन हो रही थी तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत अनबन तो होती रहती है, तो बहुत अच्छा फीलिंग है और बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए। Absolutely, in a very big way. Because for a father, there is nothing more. और मेरी ख्वाहिश रही है as a family कि हमारी family में एक singer successful आए, तो आज अरमान is definitely one of the known singers. तो बड़ी खुशी होती है and I really feel very charged because he has sung for everybody. He has sung for my favorite composer A.R. Rahman. He has sung for Saleem Suleiman. He has sung for Vishal Dadlani. So वो अकेला निहत्ता जाकर बाहर इतने बड़े बड़े दिग्गजों के गाने करके आता है, तो डेफिनेटली खुशी तो होती है। क्या ब्रीफ था जी, अगर मैं एकता की बात करूँ, सीन की बात करूँ, ना जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है ट्रेलर के बारे में, सस्पेंस ड्रामा और बैकग्राउंड स्कोर स्कोर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी, उसका क्या ध्यान था, व्हाट द डायरेक्टर ब्रीफ टू बैकग्राउंड स्कोर आई हैव नॉट डन, समबडी एल्स हैज डन द थिंग, बट इसके अंदर मैंने थीम जो बनाई है मेजर लव सॉन्ग की, तो वो पिक्चर के बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ हो रहा है, तो इसका जो म्यूज़िक जो इंटरल्यूड्स हैं वो एक ऑपरेटिक और एक जिसको बोलते हैं कि फिलहार्मोनिक का फील हमने उसमें डाला है, स्ट्रिंग सेक्शन बहुत बड़ा यूज़ किया है, तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो स्प्रेड आउट होता है पूरी पिक्चर कहानी को आगे बढ़ाता है। जी थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड अरमान मालिक सॉन्ग गाया है, बहुत अच्छा गाया है, तो मेरे लाइफ में ये तो बेस्ट सॉन्ग होगा, जो भी मैं आगे भी पिक्चर करूँ इतना अच्छा सॉन्ग तो मुझे नहीं मिल सकता है, सो उतना बड़ा सॉन्ग दिया तो बहुत बड़ा असेट है। सो नेक्स्ट पार्ट पूरा हमारा शूटिंग जो भी किया अलापी में किया था, तो पूरा आर्टिस्ट का मैं पहली बार मिला हूँ, तो किसी के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम भी नहीं था, पहला मूवी था मेरा, तो जब शूट पे गया था मैं सबको देख रहा हूँ, ठीक पहले दिन काम करते ही मुझे लगा कि अरे सब लोग मुझे दोस्त जैसा समझ रहे, ट्रीट कर रहे, तो किसी से मैं टेंशन से सुकून से काम, मेरा काम मैं कर रहा था उनका काम, तो क्योंकि पहला जब भी मैं स्क्रिप्ट नरेट किया मैं भी कभी कभी भूल जाता था, वो लोग वो स्क्रिप्ट माइंड पर ऐसे ही रखता है, सो जो भी भूल गया जो भी
भी कैरेक्टर पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो नाजिर खान सर, मैं अभी आपको भी नहीं बोला था, काली स्क्रिप्ट बोल के चले गए था, मैं शूटिंग टेंशन पे था। तो शूट पे रेडी होके कैरेक्टर पे ड्रेस चेंज होके गेटअप चेंज करके आए तो मैंने देखा ठीक है, इस साल के बारे में मैं कुछ भी टेंशन नहीं लेना, तो मुझे आराम से दूसरे काम पे ध्यान देना है। तो सेकेंड टू गेटअप था, टू गेटअप जो भी शूटिंग का सेकेंड गेटअप पे आया, सभी लोग ने वेटिंग कर रहे कि ये दोनों अलग है बोल के, उतना वेरिएशन दिया था। थैंक्स एंड आई वाज अमेज्ड, इतना एक्सपीरियंसड आर्टिस्ट मुझे पहली मूवी पे मिला तो मुझे बहुत हैप्पी हुआ। एंड नॉट ओनली नजीर सर मेन हीरोइन एंड हीरो रॉबिन्स पहला मूवी है, तो पहले दिन स्क्रिप्ट बोल रहा था वो रो पड़ा है, तो मुझे लगा अरे पहला मूवी ठीक है कर पाएगा। पहला सीन कर रहा था, सब लोग पहला मूवी बोले तो कोई माना नहीं, सब लोग देख के बहुत स्क्रीन पे भी अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छा कर रहे हैं। सो सेकेंड डे से वी बिकेम लाइक फ्रेंड्स एंड वी आल्सो सबसे क्लोज हो गया, बहुत अच्छा काम किया। तो थैंक्स टू रॉबिन। एंड फर्स्ट हाफ में तो आएगा मोस्टली हीरोइन एंड हीरो का लव सॉन्ग, सो दीज आर द थिंग्स। एंड Rushad Rana sir is playing an important role. This movie is like a murder mystery. So इस story में जो भी confusion को reveal करने के लिए एक character है वो Rushad Rana sir ने किया था, तो वो भी उसको भी आसान हो गया, उसका costume भी, उसका modulation, dialogue delivery, it speaks like his voice, that's a voice and dialogue delivery, वो character को 100% किया था। सो मुझे डबिंग में आया, जब डायलॉग बोल रहा था डबिंग में सब लोग ताली बज रहे, वाह वाह सर बोल रहे, तो वो वॉइस का एंड सो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। तो बाकी सब बाहुबली प्रभाकर ऐड किया है इसमें अच्छा रोल में, और नवनीत तो किलर मेनली किया टाइटल रोल। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल छोटी बच्ची अवनीत को किया था, तो वो 10-15 मिनट का रोल है, पर सेकेंड हाफ में बहुत लोग वो देख के उनका मदर 1 घंटे तक रोता रहा, तो इतना इमोशनल कैरेक्टर, इतना अच्छा परफॉर्म किया। सो उतना एज में इतना परफॉर्मेंस मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो डेली मॉर्निंग 5 to 9, 2 o'clock तक शूट किया, पर इतना भी वो इम्पेशेंस नहीं था, बहुत सपोर्ट किया, उसको भी फैंस बोला, वो अभी आज इधर नहीं है। तो ये सब करने के लिए हम पहला स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इज द हीरो ऑफ द मूवी, देन ये पूरा इतना क्वालिटी आया, तो पहला मैं सोचा था छोटा बजट में करो सर, सर ने भिक्षण सर हमारा प्रोड्यूसर, तो जब सर ने इन्वॉल्व हो गया तो ये मूवी छोटा मूवी से बड़ा हो गया। तो अच्छा लोकेशन, अच्छा कैमरा, अच्छा टेक्नीशियंस, अच्छा आर्टिस्ट, सब लोग मिलके ये आउटपुट किया है। तो इसके बारे में बस सर से बात, सर को बात नहीं, मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत हाँ बोलने का मेन वजह यह था कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एज पर द स्क्रिप्ट। एंड जैसे सुमन सर ने कहा, आई गेट टू प्ले समबडी फ्रॉम 30 to 60, एंड आई डिड दैट विदाउट प्रोस्थेटिक्स। मैंने इनसे पूछा था कि पहले आप 60 का करोगे या पहले 30 का करोगे, सो इसे फर्स्ट एंड डू 60। तो मैंने वेट पुट ऑन किया, मैंने बाल अपने लंबे किया, मैंने हेयर कलर नहीं किया, मैंने दाढ़ी रखी, एंड आई पुट इन अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट टू गेट टू दैट कैरेक्टर। एंड मैं जब सेट पे गया, मैंने थोड़ी सी पैडिंग ली थी वेट के लिए, और मैं अंदर गया, मैं कॉस्ट्यूम में चेंज करके जब मैं बाहर आया, लोग सब शूटिंग कर रहे थे, मुझे किसी ने नहीं पहचाना। मैं वहाँ बुड्ढा आदमी बन के घूम रहा था, किसी ने भी नहीं पहचाना कि ये कौन है क्या है। और जब मैं, जब हमको बाद में जाते हुए 30-year-old वाला करना पड़ा, जब मैंने बाल कलर किए, हेयर कट ली, शेव किया, फिर भी लोगों ने, फिर भी लोगों ने नहीं पहचाना कि दैट इज यू, व्हाट इज सेइंग इज अ फैक्ट। एंड वो
जो काम करने का मजा आता ना, फॉर मी जब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई तो वो इस फिल्म की बैकबोन है। और अवनीत कौर जो है, जिसने मेरी बेटी का रोल किया है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और जब लोग देखेंगे उसका जो इम्पैक्ट, उसकी परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट, मैं भी उसके साथ जब सीन्स कर रहा था, मुझे खुद यू नो एज वो कट होने के बाद मुझे बुरा लगता था कि मैं इस बच्चे के साथ क्या क्या कर रहा हूँ। एंड उसने जिस तरीके से बखूबी से वो रोल को निभाया है कैमरा पर, हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, रियली वेरी नाइस। एंड सब ने, रुशाद, रॉबिन, नवनीत, सलील अंकोला, दिस गर्ल प्रणति जो इंस्पेक्टर बनी है, सबका काम बहुत अच्छा है। उसका पूरा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर साहब को जाता है, बिकॉज इन्होंने हमें बांध के भी रखा था बट एट द सेम टाइम एक छूट भी देकर रखी थी। एंड हमारे जो डी ओ पी है सिनेमाटोग्राफर शाम तमलपली शाम, हाँ तमलपली शाम, ही इज सुपर। उन्होंने जो लुक दिया है फिल्म को, जो फील दिया है, एंड इतनी हमने नेचुरल लाइट में शूट की है, तो एक फिल्म का एक बहुत रियल एसेंस निकल गया है। राणा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अलग होगी? हम बहुत सी फिल्में आपको बॉलीवुड में बात करते हैं, सबसे क्यों अलग होगी? आई थिंक अलग ये मतलब सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही अलग है, एग्जीक्यूशन भी अलग है। जैसे कि नासिर सर ने बताया, द कैमरा वर्क एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट, लुक बहुत अलग है। एंड आई थिंक अगर कॉन्सेप्ट लेवल पे ही फिल्म अलग होती है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने में और मजा आता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद आवर फिल्म। या ऑब्वियसली इट इज, मतलब मेरी लाइफ की मैंने ऐसी कोई स्टोरी मतलब ना देखी थी ना सुनी थी, मतलब नहीं तो आपको ट्रेलर में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा इसका। तो जब भी पिक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा ये एक्चुअली में हुआ क्या था और क्या हो रहा है। तो जब मैंने सर को सर से स्टोरी सुनी थी तो मुझे ये था इसमें कुछ भी मिल रहा है, तो वैसा था। और बट सर ने इसमें लीड दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सर ने कहा कि कर सकता। मुझे भी इतना भरोसा नहीं था कि यार पहली फिल्म है और मतलब इतने सारे बड़े एक्टर्स के साथ कर रहा हूँ। और एकदम मेरे इसमें दो तीन वेरिएशन भी थे कैरेक्टर्स के, तो मेरे को था नहीं, बट सर ने करवा लिया और बस कर लिया। और आज सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा नासिर सर से, तो और रुशाद सर से सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं शायद एक दिन यहाँ पर मैं तभी कर रहा था, मैं फंसा हुआ था। मतलब एक्टिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि डबिंग मुश्किल रहती है, तो नासिर सर ने मुझे वहाँ पर एक घंटा डेढ़ घंटा बैठ के पूरा सिखाया था कि बेटा ऐसे कर, इसको ऐसा ट्राई कर, फिर जाके हमने कर पाए थे, नहीं तो शायद इंडा को होगा। थैंक यू, सब ने बहुत सपोर्ट किया था, मतलब मम्मी ने सब ने, मतलब एज एन मतलब मैं बिल्कुल नया ही था पूरे सेट पे, तो बाकी तो सब लोग दिग्गज लोग थे। बट बहुत अच्छा लगा और सीखा, और आज भी उन्हीं की सीख से मैं थोड़ा आगे कर भी रहा हूँ वैसा। सीख से सीख कबाब हो गया। गाने का अप्रिसिएशन जिस तरह से चल रहा है, सिर्फ दो दिन हुए इस गाने को जी पर रिलीज होके, एंड वी हैव ऑलरेडी हिट हाफ अ मिलियन हिट्स, और अरमान की आवाज़ भी अप्रिशिएट हो रही है। म्यूज़िक का जो क्रेडिट है मैं देना चाहता हूँ सुमन जी को, बिकॉज उन्होंने बोला था मुझे एक गाना चाहिए, लेकिन ऐसा गाना चाहिए कि वो पूरी फिल्म का एक थीम बन जाए और उसका ग्लोबल अपील हो उस गाने का एज अ लव सॉन्ग। तो मुझे आज सबके साथ बैठ के ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी पहली पिक्चर है और मैं ये पहला गाना कर रहा हूँ, और आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट आई एम गोइंग टू गेट लॉन्च। And thank you, Subhan ji, and the people who have produced the picture, they have really worked very hard. होता है हमारी इंडस्ट्री में, जैसे कि आज हमें 200 लोग चाहिए थे यहाँ पे, नहीं है, and we are against the odds. But कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटी चिंगारी बहुत बड़ा धमाका करती है। So let's hope एक का does well for it. Thank you. आप कुछ कहना चाहेंगे बुजुर्ग सर? अब आपकी बात। क्या करेंगे, अभी तो रिलीज करने का चक्कर में एक रिलीज हो रहा है मूवी। ऑडियंस से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, ऑडियंस से क्यों आए हो फिल्म का हिस्सा बनने? फिल्म तो अच्छा रहता है, गाना भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है, तो लोग इंटरेस्ट करेंगे। कल अपना